नाइजीरियन एक्टर रणधीर कपूर की स्थिति ऐसी है कि पूरा परिवार बेचैन है, बेहाल है। करिश्मा हो या करीना, हाथ जोड़कर ये कर रहे हैं अपने सभी चाहने वाले से रिक्वेस्ट, घर पर रहें, सावधान रहें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, सावधान रहें और साथ ही साथ सुरक्षित रहें। कोविड क्राइसिस को हल्के में अब बिल्कुल ना लें। भारत देश रो रहा है इस कोरोना की महामारी के दूसरे बार में। ऐसे में रणधीर भी इस महामारी की चपेट में आए और हॉस्पिटल में, आईसीयू में आज हो जिस दशा में है और उनकी हालत को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी आज के इस खास प्रोग्राम में। ये खास नेक्स्ट नाइन न्यूज की तरफ से रिपोर्ट हम पेश करने वाले हैं। रणधीर की हेल्थ को लेकर क्या कहना है रिपोर्ट का, जिनकी जांच के बाद सामने आई है, उनकी सेहत कैसी है इस वक्त, इस बारे में जानेंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेटेरियन एक्टर रणधीर कपूर के बारे में बात की जाए तो इस वक्त कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में, यानी कि इंटेंसिव केयर वार्ड में 70 वर्षीय अभिनेता ऋषि कपूर के बड़े भैया रणधीर कपूर को किया गया है एडमिट, और उन्हें एडमिट किया गया है, शिफ्ट किया गया है आईसीयू वार्ड में, क्योंकि सब जानते हैं कि रणधीर कपूर पहले से ही नर्व्स के बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। रिपोर्ट की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जो हालत है वो अभी भी स्थिर है, वो अभी भी ठीक नहीं हो पाए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद रणधीर कपूर को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और इसके बाद खबर आई है कि अभी कुछ दिनों तक रणधीर कपूर हॉस्पिटल में ही रहेंगे, हॉस्पिटल से वो अभी फ़िलहाल नहीं लौटेंगे। पूरी खबर आई है, रिपोर्ट आई है कि हालत में पूरी तरह से सुधार नहीं है। आईसीयू में रणधीर कपूर को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और अब ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फैसला लिया गया है कि उन्हें हॉस्पिटल में ही कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा। रणधीर कपूर की हालत के बारे में जानने के बाद रणधीर की दोनों ही बेटियां काफ़ी चिंतित हैं, करिश्मा और करीना कपूर खान, जो कि अपने पिता की सेहत को लेकर बेचैन इतनी हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों से गुहार लगा रही हैं कि अपनी सेहत को मजाक में ना लें। बिल्कुल भी इस तरह से रणधीर कपूर को लेकर बात करते हुए परिवार वाले चिंतित तो हैं। परिवार ने ऐसे पोस्ट भी शेयर किए। पिता के बारे में बात करते हुए रणधीर कपूर की बेटियों के बारे में बात की जाए तो सब जानते हैं कि इस वक्त किस तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं रणधीर कपूर के परिवार वालों के बीच, उनकी हेल्थ की हर एक रिपोर्ट। तो करिश्मा कपूर ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर। और ऐसा करते हुए करिश्मा कपूर ने पोस्ट किया, हाथ जोड़कर भारत देश के लिए हर एक किसी के लिए दुआएं की है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त करिश्मा कपूर। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कैसे करिश्मा कपूर बेहद चिंतित हैं, बेहद ज़्यादा परेशान हैं। करिश्मा कपूर के साथ साथ करीना कपूर भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। हॉस्पिटल को लेकर वो लगातार पोस्ट शेयर कर रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं कि वैक्सीन्स ले और ख़ुद को संभाल कर रखें। बड़ी बात तो ये है कि वैक्सीन तो रणधीर कपूर ऑलरेडी ले चुके थे, सेकेंड डोज भी उन्होंने ले लिया था, फिर भी क्यों आखिर इस तरह से बुरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पीड़ितों को। क्योंकि अभी भी रणधीर कपूर अगर हॉस्पिटल में हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सेहत कैसी है, और आईसीयू वार्ड में, यानी कि उन्हें वाकई में सांस लेने में दिक्कत हो रही है जिसके कारण उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। और इसलिए किसी भी तरह से रणधीर कपूर की सेहत को लेकर कोई भी रिस्क परिवार नहीं लेना चाहता है। आपको हम बताना चाहेंगे रणधीर कपूर के परिवार वालों के बारे में कि ये सब जानते हैं कि रणधीर कपूर के परिवार के बीच देखा जाए तो ऐसे कई कलाकार हैं जो कि अपनी बीमारियों से काफ़ी लाचार रहे हैं।
रणधीर अपनी पत्नी बबीता के साथ नहीं रहते हैं और वो अलग रहते हैं। इसके कारण उन्हें और भी ज़्यादा नर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ा। उनके घर की 5 नर्स को ऑलरेडी कोविड रहा। इसी वजह से रणधीर कपूर को भी कोविड के संक्रमण में आना पड़ा। लेकिन रणधीर कपूर की सेहत को लेकर अक्सर परिवार वाले बताते हैं कि उन्हें व्हीलचेयर पर भी रखा जाता था। व्हीलचेयर पर उन्हें इसलिए क्योंकि जब घुटनों का दर्द सबसे ज़्यादा रणधीर कपूर का बढ़ जाता तो फिर उन्हें व्हीलचेयर पर लाया जाता। अगर आप ये देख रहे हो तो एक नहीं दो दो नर्स और स्टाफ मेंबर के सहारे की रणधीर को ज़रूरत पड़ती है। एक नहीं बल्कि दो दो लोग उनका हाथ पकड़ कर चलाते हैं। साथ में रणधीर कपूर बैसाखी भी लेकर घूमते हैं। रणधीर कपूर की सेहत इतनी ज़्यादा बुरी रही है। जब अपनी बेटी करीना कपूर खान के घर जा रहे थे रणधीर कपूर, तो उनकी सेहत कैसी थी आप देख सकते हैं। उनके घर के 2 स्टाफ मेंबर थे जो रणधीर को पकड़ कर लेकर जा रहे थे, क्योंकि रणधीर कपूर की हालत ऐसी थी कि वो खुद से चलना तो दूर अपनी बैसाखी को भी संभाल नहीं सकते, डंटे को भी संभाल नहीं सकते थे, जिसके कारण रणधीर कपूर को करीना के नए घर में जाने के लिए 2 स्टाफ मेंबर को अपने साथ लाना पड़ा। अब स्टाफ मेंबर से ही उन्हें ये प्रॉब्लम हुई है या फिर किसी और से, ये तो कोई नहीं और जान सकता है, बता सकता है। लेकिन रणधीर कपूर की सेहत को लेकर परिवार बहुत चिंतित है। आप देख सकते हैं कि रणधीर बिना मास्क के कभी नज़र नहीं आए, इसके बावजूद कोविड के वो संक्रमण में आ गए हैं। सांस लेने में उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है और आईसीयू से वो जल्द रिकवर होकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए जाएंगे, दुआ यही की जा रही है। बता दें इसी के साथ साथ हम आपको दोस्तों कि रणधीर कपूर ने खुद इंटरव्यू में फरवरी के महीने में अपने छोटे भाई राजीव के जाने की बात बताया कि उनके भाई राजीव उनके पास क्यों रह रहे थे 2 साल से, क्योंकि रणधीर की सेहत ठीक नहीं रहती थी और तो और उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार रहने की वजह से परिवार की ज़रूरत रहती थी। इसके बावजूद रणधीर के साथ जब उनकी पत्नी बबीता नहीं रह पा रही थी क्योंकि वो सालों पहले उनसे दूर हो गई थी, तो रणधीर को अपने भाई का सहारा मिला था। हाँ, ये बात अलग है कि परिवार फंक्शंस में साथ साथ ज़रूर होता है और बबीता कपूर रणधीर की बीमारी में उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी रही हैं, लेकिन साथ साथ ये नहीं रहते। बिना बैसाखी के तो रणधीर कपूर बैठते भी नहीं हैं। ये अगर आप देख रहे हैं करिश्मा से लेकर आपको दिखाई दे रही होंगी रीमा जैन, बबीता, नीतू और साथ में रणधीर, वेट भी उनका काफ़ी बढ़ गया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो जाना आपने हमारे शो में आज एक बफर से रणधीर कपूर के बारे में रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में। दुआ करते हैं कि रणधीर वापस घर लौटे मुस्कुराते, राज कपूर के ये बेटे लौट आए अपने घर, राज कपूर का ये चिराग साल ऐसे ही हंसता रहे, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने सहा है, परिवार ने काफी दर्द सहा है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिल्मों की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए इस चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।